कितनी मीठी है ये शहनाई की आवाज, कितना रसीला है ये संगीत, कितने खुशबूदार हैं ये सेहरे के फूल, ये चूड़ियाँ, ये मेहंदी, कितनी सुहानी है ये सुबह, खुशी से भरपूर लेकिन गमनाक। मैके का स्वर्ग छोड़कर आज मैं अपने घर की हो जाऊंगी, अपने पराये हो जाएंगे पराये अपने। आज का दिन जिंदगी में एक बार आने वाला दिन, आज का दिन जिंदगी को बदल देने वाला दिन। जन्ना, जन्ना, दर्जन कपड़े ले आई? बोल भी क्यों नहीं? आप किसे पूछ रही हैं बीबी जी? तुम कौन हो? मैं रोजी हूँ। जमुना कहाँ गई? जमुना? जमुना नाम की तो यहाँ कोई नहीं। क्या कह रही हो? जी हाँ, 4 साल से मैं आपके यहाँ काम करती हूँ। 4 साल से? पागल हो गई है क्या? ये कपड़े मुझे किसने पहना है? दीदी जी, मेरे अपने कपड़े कहाँ हैं? मेरे अपने कपड़े कहाँ हैं? अरे, मेरे पास तो ऐसी स्लीपर नहीं थी। ये घर, हमारा घर तो ऐसा नहीं था। ये एक रात में क्या क्या हो गया? वो कह रही थी 4 साल। हर चीज बदल गई है मगर ये जख्म तो अब भी ताजा है।
किससे कह रही हो? आपसे? मुझसे? कौन हो तुम? ये घर तुम्हारा है? ये आपको क्या हो गया मम्मी? आपकी तबीयत कैसी है? नलिनी, नलिनी, अरे मैं कोई घर में है कि नहीं? मम्मी नमस्ते, कैसी तबीयत है आपकी? तुम कौन हो? मैं मोहन। कौन मोहन? ये मोहन है मम्मी। मुझे मम्मी मत कहो। बात क्या है नलिनी? मम्मी तो मुझे पहचान नहीं रही है, तुम तो पहचानती हो? मजाक मत करो मोहन, सुबह से किसी को नहीं पहचानती। पता नहीं क्या बात है। बाबूजी को फोन किया? नहीं। तो फिर सोच क्या रही हो? आओ बाबूजी को फोन करें, आओ। बीबी जी, ये कौन सी जगह है? मुझसे कोई कसूर हुआ बीबी जी? ये कौन सी जगह है? दार्जिलिंग बीबी जी। दार्जिलिंग? ये मकान किसका है? आपका मकान है बीबी जी। मेरा? 7 साल से तो मैं आपका नमक खाता आ रहा हूँ बीबी जी। क्यों रानी? ओह, ये हम कहाँ आ गए जीजा जी? जीजा जी, खैरियत तो है? ये आप हंस क्यों रहे हैं? बाकी सब लोग कहाँ हैं? कौन? माँ जी, बाबूजी, दीदी। कैसी बातें कर रही हो? उन्हें तो 16 बरस हो गए मरे हुए। 16 बरस? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आओ अंदर आओ। आओ आओ। लेकिन जीजा जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये अचानक क्या हो गया? घर में एक लड़की है, पता नहीं कौन सा लड़का है, और पता नहीं कौन से माली है, ये है वो है, कोई भी मुझे नहीं पहचानता। आइए डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सुबोध, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट डॉक्टर। व्हाट अबाउट मैडम, कहिए कैसी हैं आप? क्या ठाट हैं आपके? ये क्या बदतमीजी है? अरे व्हाट, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डियर, डॉक्टर वर्मा। यस, वर्मा? नहीं, हमारे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर कपूर हैं। कपूर? ये किस बेवकूफ का नाम है? चुप रहिए, बेवकूफ आप हैं। माई सेल्फ? यू आर राइट मैडम, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मुमकिन है किसी जन्म में मेरा ही नाम डॉक्टर कपूर रहा हो। खैर छोड़िए बोलिए, इस नाम के चक्कर को गुलाब के किसी नाम से पुकारिए, गुलाब आखिर गुलाबी है। लाइए मिसेस राय। ये आप मिसेस राय किसे कह रहे हैं? मिसेस राय को? मैं मिसेस राय नहीं हूँ जी। आप पट्टी खोलिए डॉक्टर। ऑल राइट सर। और आप डॉक्टर हैं या हजाम? यू आर राइट मैडम, पहले हमारे देश में मरहम पट्टी का काम हजाम ही किया करते थे, अब डॉक्टर करने लगे हैं। आई मीन टू से डॉक्टर आजकल। जरा एहतियात से डॉक्टर साहब। लाइए जरा पट्टी। मिस्टर सुबोध, जरा मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा मतलब ये है कि इनका हाथ पकड़ लीजिए। पट्टी लगवा लो। जख्म तो वैसे भर चुका है, लेकिन जरा सी कसर बाकी है। आप जरा गुस्सा कम कर दें। तकलीफ होगी तो गुस्सा नहीं आएगा? माफ कीजिएगा मैडम, तकलीफ एक अलग चीज है, गुस्सा अलग। ये तो कुछ ब्लड प्रेशर का मामला मालूम होता है। आप जरा ठंडे पानी से नहा लीजिए, ठंडी हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है, आप तशरीफ ले जाइए। ऑलराइट मिस्टर सुबोध, फॉर वन मिनट प्लीज। ये शायद न्यूरोसिस डेवलप हो रहा है।
आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए ना। ओह घबराइए नहीं, डोंट वरी, मेरे ख्याल में डॉक्टर राजेश को बुलवा भेजिए। राजेश खन्ना? यस यस, डॉक्टर राजेश खन्ना, वेरी फेमस। कहिए तो मैं उन्हें टेलीफोन कर लूं। जी नहीं, मैं जानता हूँ, बहुत मेहरबानी। दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो मिस्टर रॉय। अच्छा हुआ आप आ गए। खैरियत तो है? मैं सख्त परेशान हूँ। क्यों, कोई झगड़ा वगैरह किया? आप तो जानते हैं डॉक्टर के झगड़ा जिंदगी में कभी नहीं हुआ, लेकिन आज तो मुझे पहचानती ही नहीं, न बेटी को पहचानती है, न इस घर को पहचानती है। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं। फिर चलिए मैं देखता हूँ। नंदा, हेलो, तबीयत कैसी है आपकी? ये चोट कैसे लगी? कल जो धमाका हुआ था उससे जख्मी हो गई। धमाका? बच्चे पटाखों से खेल रहे थे कल, एक पटाखे की आवाज से चौंक कर गिरी, सर पे चोट आ गई। पटाखा नहीं, धमाका था। अच्छा भाई, धमाका था। तुम ही सच्ची हो, लेकिन जरा इतना प्लीज। क्या आप भी डॉक्टर हैं? आपने तो मुझे देखा है क्लब में। मैं किसी क्लब को नहीं जानती। फिर आपने कैसे पहचाना? आपसे पहले एक साहब आए थे, वो मरहम पट्टी करके चले गए और आपने आते ही नब्ज पर हाथ रख दिया। अब जरा लेट जाइए, मुझे ब्लड प्रेशर देखना। मैं इसकी जरूरत नहीं समझती। आप नहीं समझती, मैं समझता हूँ। डॉक्टर मैं हूँ, लेट जाइए प्लीज। लेट जाओ। आपका नाम? नंदा। राधा। मेरा नाम राधा है डॉक्टर साहब। प्लीज प्लीज लेटे रहिए। तो आप राधा हैं, नंदा क्यों नहीं? इसलिए कि मैं राधा हूँ, मैं नंदा नहीं हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप बता सकती हैं आपका नाम राधा किसने रखा? आप डॉक्टर हैं या वकील? हर बात पे जिरह किए जा रहे हैं। अच्छा हटाइए, मैं आपको नंदा नहीं कहता। मुझे आज तक किसी ने नंदा नहीं कहा डॉक्टर साहब, सिर्फ जीजा जी ने कहा है आज। जीजा जी? कौन जीजा जी? यही तो है। तो ये आपके जीजा जी हैं मिसेस राय? देखिए, मैं मिसेस राय नहीं हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं मिस शुक्ला हूँ और आज मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। आप मेरे हॉस्पिटल तक आने की तकलीफ गवारा करेंगी? लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब। मैं जानता हूँ आपको कुछ नहीं हुआ, मेहमान के तौर पर आ जाइए, बातें कीजिए, चाय पीजिए, आएंगी ना? अच्छा मुझे इजाज़त है, देखिए भूलिएगा नहीं मैं डॉक्टर राजेश हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। यू नीड रेस्ट। वेल डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं नहीं, खतरे की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वैसे इन्हें आराम और सुकून की जरूरत है।
मगर बात क्या है? इस वक्त जो हालत है इससे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये दिमाग पर बोझ पड़ने से भी हो सकता है, ज्यादा जज्बाती हो जाने से भी हो जाता है। वैसे इनके खानदान में कोई दिमागी मरीज तो नहीं था? दिमागी मरीज जी नहीं। क्या आपका मतलब है कि इनके दिमाग में कुछ? घबराने की बात नहीं, अभी तो मर्ज का शुरू है। कौन सा मर्ज? मिस्टर सबोध, असल मर्ज का पता तो थारो चेकअप के बाद ही होगा। बट यू डोंट नो, आई एम हियर टू लुक आफ्टर। थैंक यू। ओके। हेलो, यस बॉम्बे, अर्जेंट प्लीज, 573046, पीपी राम कुमार, राम कुमार। ये राम कुमार कौन है? आप राम कुमार को नहीं जानते? वही जिनसे मेरी शादी होने वाली है। मैं उन्हें बता तो दूं कि मैं दार्जिलिंग में हूँ। नहीं मालूम मैं दार्जिलिंग कैसे पहुंच गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, चलो आराम करो। लेकिन मेरा फोन। फोन तो तुमने बुक किया हुआ है, चलो मैं फोन भी ले आता हूँ। क्या हुआ? हेलो मेहता। अपने ऑफिस का मेहता। हेलो मेहता, हाँ देखो, नहीं मैं आज ऑफिस में नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, वकील साहब से कह देना कि ड्राफ्ट तैयार रखें। अच्छा हाँ, सब खैरियत है? अच्छी बात। आज तो हद होगी, डाइनिंग बेल के बजाय टेलीफोन बेल बज रहा है। बहुत भूख लगी है तो जाके खाना खा लीजिए। लगता है थोड़ी बहुत सनक इधर भी आ गई। हाँ आ गई। फिर तो भाई भुगतूंगा, नाराज क्यों होती हो? रहने दीजिए, भुगतने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने आंसू खुद पोंछ सकते हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया, रोटी के बदले ताव खा रही हो? हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। देखो नलिनी, हम शरीफ आदमी किसी का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ते, समझी? चलो उठो, बाबूजी और मम्मी को खाने के टेबल पर ले चले। वो आए तब ना। कब आएंगे? आखिर कब तक इस तरह बैठी रहोगी? क्या सोच रही हो? जी जाजी, आप मुझे बंबई क्यों नहीं पहुंचा देते? तुम ठीक तो हो जाओ, जहां कहोगी। हेलो जी हाँ, तुम्हारा टेलीफोन। हेलो लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? क्या कर रही हो? लक्ष्मी प्रभु दयाल की बीवी, तुम्हारी सहेली। मैं किसी लक्ष्मी को नहीं जानती। मैं लक्ष्मी को... हेलो भाभी, माफ करना, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। जी नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं, बस यूं ही मूड ही कुछ ठीक नहीं। जी हाँ, शाम को मिलेंगे। नमस्ते। क्या हो गया तुम्हें? आराम करो तुम। हम मेम साहब के पहले किसी को खाना नहीं देंगे। हमारी समझ में नहीं आता मेम साहब को क्या हो गया है। बटलर हम बताता है, ये अपनी मेम साहब है ना, इसके ऊपर भूत आशिक हो गया। ये भूत कैसे आशिक होता है? जैसे हम तुम पे आशिक हो गए, इसलिए तो हम तुमसे शादी करना मांगता है। हम किसी मतलब बोला, हम किसी अटलर बटलर से शादी करने को नहीं मांगते। तो क्या तुम हिटलर से शादी करेंगे? तो करो। खाने की घंटी? खाने की घंटी नहीं है, टेलीफोन की घंटी है। हेलो, हाँ हाँ मैंने बुक किया था। क्या राम कुमार नाम का कोई आदमी उस नंबर पे नहीं है? लेकिन ये कैसे? हेलो हेलो, बस तसल्ली हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है जीजा जी, पहले तो मैंने उनसे बात की है, ये सब क्या हो गया, सब लोग कहाँ चले गए? सब इधर ही, लेकिन तुम किसी को नहीं पहचान रहे। आ,
नंदा भाभी, भाभी तुम तो सचमुच रूठ गई। मेरी मजबूरी का तो ख्याल किया होता, क्या जानबूझकर तुम्हारी लड़की की मंगनी में नहीं आई? डियर भाभी, अब तो मान जाओ। कौन है ये? अरे नहीं पहचाना, अपनी लक्ष्मी भाभी। मुझे नहीं पहचाना? मैं नहीं पहचानती। तबीयत ठीक नहीं आज इनकी। शीला सुनो तो, शीला, मीना तुमने कुछ सुना, तुमने कुछ देखा? मिसेस सुबोध ने मुझे नहीं पहचाना। हाँ नंदा भाभी। हाँ हाँ नंदा भाभी। रेली तुम्हें नहीं पहचान रही? नहीं। क्या पागल हो गई क्या? अरे निर्मला सुना तुमने? क्या होगा? हेलो मिस्टर सुबोध। गुड इवनिंग मिस्टर कुमार। ओ नमस्ते भाभी जी, क्या बात है? कोई नाराजगी हो गई है क्या? आज मूड नहीं है। मूड नहीं? अरे साहब ये तो मामूली बात है, एक रोज रात को मैं जरा देर से आया था तो इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था और घर का सारा फर्नीचर तोड़ दिया। डॉक्टर की राय हुई कि इनको पागलखाने में भेज दिया जाए। अच्छी, मुझे नहीं आपको पागलखाने में भेजने को कहा था। दौरा पड़ गया ना, वही इलाज करना होगा। जानते हो सुबोध मैंने क्या किया था? हेलो डॉक्टर साहब। ओह हेलो, आइए आइए बैठिए ना। तो आपने मुझे पहचान लिया? पहचानते क्यों नहीं, क्या आप भी मुझे पागल समझते हैं? जी नहीं, जो आपको पागल समझे वो खुद पागल। तो देखिए ना, ये सब लोग अच्छे भले आदमी को पागल बनाए दे रहे हैं। देखिए मिस्टर रॉय। सुनिए राधा कहिए। आई एम सॉरी राधा जी, इस दुनिया में सभी एक दूसरे को पागल समझते हैं, इसमें आप और मैं क्या कर सकते। चलो चले, एक्सक्यूज मी। इट्स ऑलराइट। वो देखो डियर, चलो डांस करें। आप तो जानते हैं मुझे डांस करना नहीं आता। क्या हो गया तुम्हें? जीजा जी आप होगी, मुझे सुने दीजिए। Thank you.
हमसे कुछ काम नहीं होएगा। क्यों, क्या हुआ? बताते हैं, पेट में दर्द है। कल मेम साहब का टेलीफोन का चक्कर में अखा दिन खाना नहीं मिला, और इसलिए जब रात को मिला तो हम सबका सब खा गया। सुबह 3 बजे से आग खुल गया है, तब से गड़बड़ ही गड़बड़ है। अबे मोटू, किसने बोला था इतना खाना खाने के लिए? मगर क्या करता, मगर पेट खराब हो जाएगा ये नहीं सोचा। बहुत सोचा, हमको ऐसा लगा पेट खराब हो जाएगा तो डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन खाना खराब हो जाएगा तो कौन ठीक करेगा? बाहर का देश वाला हमको खाना इसलिए थोड़ी देता है कि हम खाने को खराब करेगा। सब टेबल पे आ गया, चलो ना चले जा, चल। अरे घंटी सब बजाता मीम साहब। क्यों, डर गया? वैसे तो बहुत बहादुरी बताता है। अरे मगर बहादुर आदमी का पागल के सामने कैसे चलेगा? अरे वो भी पागल हो जाएगा। हमारा नानी पागल हो गया था, वो सारे मोहल्ले को पागल कर दिया। ऐसा मालूम नहीं पड़ता था कि अपना नानी पागल है कि वो पूरा मोहल्ले वाला पागल है। हाँ। और जब वो चलता था तो उसके पीछे 100-200 आदमी चलता था। ऐसा लगता था कि देश में बहुत बड़ा लीडर आ गया। आसे, चलना ले जा। अच्छा, तुम बोलता है तो ले जाता है, पैसा मैं तो। बैठे हो जाओ, बैठे बैठे तो। साहब शंकर सेठ आए। शंकर सेठ शंकर बाबू, तशरीफ रखिए। कहिए, सुबह सुबह कैसे तकलीफ की? कोई खास बात नहीं, कल शाम क्लब में पता चला कि भाभी जी की तबीयत खराब हो गई। मैंने सोचा कि शुक्रिया, फिक्र की कोई बात नहीं, अब ठीक है, चाय पीजिए। गोपाल सिंह, नहीं नहीं नहीं, आप तकलीफ ना कीजिए, मैं चाय पी कर आया। एक कप और सही? नहीं नहीं नहीं, प्लीज। तो लीजिए सिगरेट। शुक्रिया। कल रात मोहन भी घर लेट पहुंचा, पता चला कि भाभी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और डॉक्टर राजेश को केस दिया है। जी हाँ, दरअसल मंगनी वाले दिन वो पटाखे की आवाज से डरकर सीढ़ियों से गिर गई, तब से कुछ। मिस्टर सबोध, हम लोग भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिरते हुए देखा है, मगर डॉक्टर राजेश ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर और क्या कहेगा, क्लब वाले सब यही कह रहे थे कि वो पागल हो गई। क्लब वाले ये कहते हैं, यहाँ डॉक्टर की समझ में बीमारी भी नहीं आई अब तक। नमस्ते भाभी जी। डॉक्टर की समझ में ये बीमारी आएगी भी नहीं, बीमारी ही कुछ ऐसी है, हर खानदान में एक ना एक ऐसा होता ही है। ये आपका ख्याल है शंकर बाबू, हमारे खानदान में किसी को ऐसी बीमारी नहीं। वो तो सामने नजर आ रहा है, जानते बूझते ऐसा कोई नहीं फंसेगा। ये तो पूरी पीढ़ी का सवाल है, एक खानदान का सवाल है। ये शादी अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते, मेरी एक ही बेटी है। मेरा भी एक ही लड़का है, और उसका फ्यूचर मुझे देखना है, इसीलिए मैंने ये रिश्ता तय किया है शंकर बाबू। आप जानते हैं कि मेरी बेटी कितने बड़े जायदाद की हकदार है, लगभग 10 लाख रुपया तो उसी से आता है, और बिजनेस अलग है। मैं तो चाहता था कि शादी के बाद सब कुछ आप ही के हवाले कर दूं, और आप न सिर्फ नलिनी और मोहन बल्कि हमारे भी बुजुर्ग बन कर रहे हैं, मगर आप तो मेरे अरमानों पर पानी फेरे दे रहे हैं। नहीं शंकर बाबू, आप अपने फैसले पर गौर कीजिए, यूं लोगों को हंसने का मौका न दीजिए। सबोध बाबू, आप भी बड़े जादूगर हैं, आदमी को एकदम मुट्ठी में कर लेते। बीवी के अलावा? अजी, बीवी को दुनिया में कौन ठीक कर सकता है? मैं अपनी बीवी को ठीक करने चला था तो मालूम ये हुआ कि मैं तो उसे ठीक ना कर सका, उसने मुझे ठीक कर दिया। अच्छा,
देख लिया अपने पागलपन का नतीजा? नलिनी की मंगनी टूटे टूटे बच्ची है। कोई माँ अपनी बच्ची की दुश्मन नहीं होती। न मैं उसकी माँ हूँ, न मैं उसकी दुश्मन हूँ। ठीक है, तुम उसकी कोई नहीं, लेकिन क्या तुम्हें उस मासूम पे तरस नहीं आता? तो क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों अपना पागलपन रोके रहो। आप समझते हैं मैं बनती हूँ? ये मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ नलिनी की खुशी चाहता। अगर उसके लिए मेरी तरफ से कोई खतरा है तो मुझे बंबई क्यों नहीं भेज देते? बंबई भेज दो, ताकि लोगों को यह कहने का मौका मिले कि बीवी को बंबई भेज दिया और यहाँ शादी कर रहे हैं। तो क्या मैं अपनी जान देकर इस किस्से को खत्म करूं? कैसी बातें करती हो तुम? जो कुछ भी हो मेरी जिंदगी का सहारा हो। जीजा जी, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लेकिन देखो, ये एक मासूम और बेगुनाह बच्ची की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो वो बेचारी जिंदगी भर सुहाग का जोड़ा ना पहन सकेगी। मेरे लिए जिम्मत क्यों सहते हैं बाबूजी? तोड़ दीजिए ये मंगनी। ऐसी बातें नहीं कहते। और सुन लेते हैं। हाँ बेटा। आखिर क्यों? उस खुशी के लिए जो एक बेटी को खुशहाल देखकर होती है। बाबूजी। आंसू पोंछ डालो बेटा, जाओ अपनी मम्मी की देखभाल करो, वो बहुत बीमार है। मम्मी। अच्छा, तो अब तुम पहरे पर बैठा दी गई हो। हाँ मम्मी, अगर बेटी अपनी माँ की पहरेदार हो सकती है तो मैं भी हूँ। मगर बेटी बेटी हो तब ना। तो क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? नहीं, और ना मैं तुम्हारी माँ हूँ। मम्मी, खून का रिश्ता सुई का धागा नहीं होता कि जब चाहा जहाँ से चाहा तोड़ दिया। समझने की कोशिश करो नलिनी, मुझे खून के रिश्ते से इनकार नहीं, गलत रिश्ते से इनकार है। ऐसा ना कहिए मम्मी, एहसान करने वाला एहसान करके भूल सकता है, मगर जो एहसान के बोझ तले दबा हो वो कैसे भूल सकता है? क्या एहसान किया है मैंने तुम पर? कोई एहसान नहीं किया। क्या मैं भूल सकती हूँ कि मैं आप ही के गोद में पली हूँ? आप ही के सीने के गर्मी से मुझ में जिंदगी की लहर दौड़ी है। आप ही के हाथों ने मुझे संवारा है। आप ही के लोरी के सुर अब तक मेरे कान में गूंजते हैं। क्या मम्मी, कोई भी बेटी ऐसी माँ को भूल सकती है? कितना कठोर कर दिया है इस बीमारी ने तुम्हें। एक मर्तबा फिर मुझे अपना लो मम्मी, एक मर्तबा फिर मुझे अपना लो, मुझे गले से लगा लो मम्मी, एक मर्तबा। काम क्या करते हैं आप? मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम हूँ। कम इन। मंसीरे आए। कम इन डॉक्टर। ओह प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर सबोध, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आए। मिसेज राय तो ठीक है ना? यही तो मैं पूछने आया हूँ डॉक्टर, आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, जब तक मैं ईजी ना ले लूं कुछ नहीं कह सकता। पर आप घबरा क्यों रहे हैं? ऐसी कोई खास बीमारी तो है नहीं। ताज्जुब है, आपको कोई बीमारी नजर नहीं आ रही थी, और दुनिया भर में उनकी दीवानगी मशहूर होती जा रही है। सब समझते हैं कि वो पागल है। पर आप लोगों की परवाह क्यों करते हैं? कैसे ना करूं डॉक्टर साहब, आज हमारी बच्ची की मंगनी टूटे टूटे रह गई, क्लब में अच्छा खासा तमाशा बन गया हूं मैं, दुनिया को समझाते समझाते तंग आ रहा हूं। तो दुनिया है सुबोध साहब, लोग बकते रहते हैं, सबर से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक? अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो देखिए, जो कुछ मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और जो आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। मैं क्या करूँ? उनके दिल में भरोसा पैदा कीजिए, उन्हें यकीन आ जाए कि वो अपनी असली दुनिया में। मगर वो तो खुद सबको अजनबी बना रही है। इस बात का मौका ही ना दीजिए, उनके दिमाग को तफरी में इतना उलझा दीजिए कि वो कोई सीरियस बात सोच ही ना सके, और खुद भी किसी बात को सीरियस मत लीजिए, वरना मेरे लिए एक की बजाय दो मरीजों का इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो या आसान,
अगर आपने कोई इलाज जल्दी नहीं सोचा तो ऐसा ही होगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप दोनों तफरी कीजिए, इलाज मैं सोचता हूँ। हेलो बाबूजी। जी हाँ है, देती हूँ। बाबूजी का फोन है। क्या कहते हैं? खुद ही सुन लीजिए। तुम बात कर लो। आओ ना मम्मी। हेलो। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बाबूजी, वो जरूर आएंगी। जी हाँ, मैं उन्हें तैयार करती हूँ। जी अच्छा, चलिए मम्मी तैयार हो जाइए। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मम्मी, जाना पड़ेगा। अच्छी जिद है। जी हाँ, मैं आज जिद करूंगी। चलिए ना मम्मी, मेरी खातिर चलिए ना। किधर मर गया था? मरने गया था, डॉक्टर के पास गया था। अब क्या हुआ? भूख नहीं लगती है, खाने की दवा लेने गया था। ये खाने के पीछे तो तुम किसी दिन मर जाएगा। अरे हम खाने के पीछे तो नहीं मरेगा, मरेगा तो सिर्फ तुम्हारे पीछे मरेगा। तुम झूठ बोलता है। तुम झूठ बोलता है। हम सच बोलता है। हम सच बोलता है। हम जानता है तुम हमारे बाहर एक मिनट नहीं रह सकता। अरे छोड़ो छोड़ो, ये बात में क्या माल है? क्यों? जानता है हमारे डैडी ने हमारी मम्मी को क्या बोला? क्या बोला? मर्द औरत से झगड़ा करके खुदा को बोला हमको औरत नहीं मांगता। फिर खुदा औरत को अलग कर दिया। और फिर? फिर चार दिन के बाद बोलता हमको औरत मांगता। गुड। फिर खुदा ने औरत को रिटर्न कर दिया। वेरी गुड। फिर झगड़ा करके बोलता हमको औरत नहीं मांगता। ओ पैर साला, फिर ऐसा बोल गया। फिर खुदा बोला तुम अलग भी नहीं रह सकता, साथ में भी नहीं रह सकता, तुम गधा आदमी है। हम गधा आदमी? खुदा बोला? खुदा भी कैसा है, लेकिन तुम तो हमको गधा नहीं बोलता ना। तो स्वीट, देखो मीम साहब और साहब दोनों घूमने गए, तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। यू, हमने कितने मर्तबा बोला हम किसी एटलर बटलर के साथ घूमने नहीं जाता। ये बात है तो ठीक है। Thank you.
चोट तो नहीं लगी आप? कहाँ जा रही थी? घर या मौत के मुंह? आइए बाहर आइए, आइए जरा देखिए। जिंदा बचती हैं आप? मर भी जाते तो क्या बुरा था? मरने के तो और भी बहुत आसान तरीके हैं। चलिए आपको घर छोड़ दूं। चलिए गाड़ी भी पहुंच जाएगी, आप चलिए मेरे साथ। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? डॉक्टर को अपने मरीजों का हर हालत में ख्याल रखना चाहिए। ये तो मेरे सवाल का जवाब ना हुआ। हर अच्छे काम का सवाब बताना जरूरी तो नहीं। फिर भी मैं देख रहा था नाच में आपका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था, घबरा घबरा कर इधर उधर देख रही थी, और फिर जब अचानक उठकर आप बाहर आ गई तो मुझे खतरा महसूस हुआ। तो आपने मेरा पीछा किया? पीछा नहीं, निगरानी। आप अपने हर मरीज की निगरानी इसी तरह किया करते हैं? ये मरीज और उसके मर्ज पर मुनहसर है। समझी नहीं मैं। कुछ मरीज डॉक्टर को बहुत प्यारे हो जाते हैं और फिर उन्हें अपनी जान की तरह संभालना पड़ता है। एक बात और पूछूं, ये हम कहाँ आ गए? एक बार हॉस्पिटल आने की दावत दी थी ना मैंने, आप नहीं आई, इसलिए आज मैं खुद ले आया। आइए चलिए। चलिए यहाँ लेट जाइए। क्यों? मुझे जरा आपके दिमाग की जांच करनी है। मेरे दिमाग की जांच करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो आप कहती हैं लेकिन लोग कहते हैं आपका दिमाग ठीक नहीं। मुझे लोगों की परवाह नहीं, आप क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है आपका दिमाग है ही नहीं। तो फिर आप अपने दिमाग की जांच करवाइए। देखिए आप लेट जाइए ना, प्लीज प्लीज। नर्स, मुझे डर लग रहा है। खूब, अभी तो आप मरने से नहीं डर रही थी। हाँ डॉक्टर साहब, कभी मौत से डर नहीं लगता और कभी जिंदगी से डर लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है मिसेस रॉय? आप मुझे मिसेस रॉय मत कहा कीजिए, आप मुझे राधा कहा कीजिए। हाँ तो राधा जी, आप डांस से उठकर क्यों चली गई? मुझे डर लगने लगा था। क्यों? ऐसा महसूस हुआ जैसे वो डांसर मैं हूँ, वो झूठी मोहब्बत जिताने वाले लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, वो गिद मेरी बोटियां नोचे डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा महसूस क्यों हुआ आपको? मेरे हालात ही ऐसे हैं। क्या हालात हैं आपके? मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। ये आपने कैसे कहा आपका कोई नहीं? क्या मुझ पर भरोसा नहीं आपको? आप पर ही तो भरोसा रह गया है। अब मगर बाबूजी आपने उनका साथ कैसे छोड़ दिया? मैं डॉक्टर सिन्हा से बातों में मसरूफ हो गया, पलट कर देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं समझा कि वो घर चली आई है, ना मालूम कहां चली गई। अपने पागलपन में न जाने क्या कर बैठे। बाबूजी आप पुलिस को फोन क्यों नहीं कर लेते? क्या कहूं पुलिस से कि मेरी बीवी भाग गई, पागल हो गई है वो। वो आ गई शायद। चाहिए? Thank you.
मम्मी। अच्छा हुआ पागल, बाबूजी कितने परेशान हो रहे थे आपके लिए। तुम कहाँ गायब हो गई थी? अगर दरख्त बीच में ना आ जाता तो गाड़ी समेत खड्ड में जा गिरती थी। क्या जंगल की तरफ निकल गई थी? रास्ता भूल गई थी। आइए डॉक्टर साहब के शिविर। आप वहां कैसे पहुंच गए? मैंने देखा अचानक क्लब का प्रोग्राम छोड़कर कहीं जाने लगी, सोचा ना जाने कहां चली जाए। फॉलो किया तो मेरा अंदेशा सही निकला, ठीक जंगल की तरफ जा रही थी। आपकी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। ये तो मेरी ड्यूटी है। मिस्टर रॉय, एक खुशखबरी और आपको दे दूं, आज ही मैंने इनका ईईजी लिया, दिमाग तो बिल्कुल नॉर्मल है इनका। नॉर्मल है? जी हाँ। साहब, मेरे ख्याल में बेहतर होगा आप इन्हें इस माहौल से कहीं बाहर ले जाइए। ख्याल तो मेरा भी यही है डॉक्टर साहब, लेकिन मुसीबत तो यह है कि बच्ची की शादी सर पर है। ओ मग्ने सुपथाराये अस्मान विश्वानी देव वयुनान विद्वान युयोधस्म जुहुरान मेनो उष्टांते नम उक्तिम विधे मैं ओम त्रिव्रामिते अवगत्वाय हस्तम कन्या के पति के साथ कन्या का हस्त मिलाप करा दें। ओम त्रिवृणामिते सौभगत्वाय हस्तम ओहो इसमें कन्या की माता जी कन्या के पति के साथ कन्या का हस्त मिलाप करा दें। ओम त्रिवृणामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या देवा। अब सब लोग खड़े हो जाएं ताकि वर वधु अग्नि के फेरे ले सकें। ओम मम व्रते से हृदय ददामि मम चित्तम मनुचितम से अस्तु मम वाचमेक मना जुषस्व प्रजापतिष्वानीयक्तु महम ध्रुवाधार ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवम विश्वमिदं जगत। अरे मुबारक हो समधन, कल की धरती काम से दस। आप क्यों बैठे? दीदी हमें कुछ काम तो बताओ। तुम लोग मेहमानों की देखभाल करो और मुझे दीदी आचल मेरे साथ। नमस्ते भाभी, लीजिए अब हमें पहचान भी नहीं रही। अकेली जान क्या क्या करे, दुल्हन की माँ जो ठहरी। शुभम भवतु कल्याणमस्तु विवाह संस्कार विधि समाप्तम। अब कन्या की माता पिता कन्या को आशीर्वाद देकर पति के घर विदाई करें। चलिए सबोध साहब आशीर्वाद दीजिए। अरे हाँ, वो भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी यहाँ गई है। भाभी कहाँ चली गई? मैं बुला के लाती हूँ। भाभी जी गार्डन में नहीं है? भाभी जी घर में नहीं है। भाभी जी कहीं नहीं है? क्या भाभी जी मालूम नहीं कहाँ चली गई? तो कहाँ है सबोध साहब?
ये तो बेइज्जती की बात है। दीदी को देखा तो नहीं? नहीं तो शादी छोड़कर भाग गई। राजेश बोल रहा हूं। क्या कहीं चली गई है? नहीं, यहां तो नहीं आई। शादी छोड़कर भाग गई। आपके घर में तो आज शादी के हंगामे हो रहे होंगे। उन्हीं हंगामों से तो भागकर यहाँ आई हूँ। क्यों? मुझे हंगामों से डर लगता है। हंगामों से डर लगता है? जी हाँ, जिंदगी हंगामों में कहीं खो जाती है, फिर 16 बरस गुजर जाते हैं और फिर कुछ नहीं मिलता। सब कुछ मिल जाएगा, चलिए मेरे साथ चलिए। तो आप हंगामों से बहुत घबराती हैं, इसीलिए उस रोज क्लब से जंगल चली गई थी और आज यहाँ चली आई। खैर, ये अच्छा किया जो यहाँ चली आई। तो फिर क्या करती डॉक्टर साहब? मेहमान तो शादी के थे, लेकिन सब लोग घूर घूर के मुझे देख रहे थे। हर आदमी कोई ना कोई मेरे लिए पूछ रहा था। सब ये समझते थे मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। इसीलिए भरी बारात में सब मेहमानों के सामने तुमने मुझे जलील किया। अपनी बेटी को अपने आशीर्वाद से महरूम रखा तुमने। तुम यहाँ बैठी हो और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि तुम यहाँ आई नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर रॉय, मैं किसी दूसरे मरीज को देख रहा था और मुझे सचमुच नहीं पता था ये यहाँ बैठी हुई। लेकिन जब आपको पता चल गया तो आपको चाहिए था कि इसे समझा बुझा कर घर भेज देते। आपको मालूम है कि आज बच्ची की शादी थी। देखिए, ना तो मैंने इन्हें बुलाया है और ना जाने से रोका है। आपको मालूम है ये मेरे इलाज में है और ऐसे मरीज का इलाज किस तरह किया जाता है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। सॉरी डॉक्टर, मैं अपनी परेशानियों में ऐसा उलझा हुआ हूं कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? माफ कीजिए मिस रॉय, आप अपनी जगह रहिए और मुझे मेरी जगह रहने दीजिए, वरना कोई तीसरा डॉक्टर मेरा इलाज शुरू कर देगा। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। देखिए, इनके दिमाग को सुकून की जरूरत है। मैं पहले भी आपसे कई दफा कह चुका हूं, इन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाइए प्लीज मिस रॉय। ये भी करके देख लेता हूं। लड़की की शादी से मुझे फुर्सत हो गई है, मेरा इरादा है कि इन्हें कुछ दिनों के लिए कश्मीर ले चलूं। नहीं, मैं कश्मीर नहीं जाऊंगी, मैं बंबई जाऊंगी। ठीक है, जहां ये जाना चाहें वहां ले जाइए। अच्छा भाई, चलो तुम्हें बंबई ले चलते हैं। बस
रूम पसंद आया? आखिर तुम बंबई आई गई। मेरे ख्याल में तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं जरा टी बोर्ड के मेंबरों से मिलने जाता हूँ, शाम को बाहर जाएंगे। ये लो रूम की चाबी। डरोगी तो नहीं? यहाँ किस बात का डर है? तो शाम को। ये कौन सी बिल्डिंग है? चर्च गेट स्टेशन है मेम साहब। चर्च की? वो तो ऐसा नहीं था। लगता आप पहली बार बंबई आई है। पहली बार नहीं तो। संजेवियर कॉलेज है ना, मैं यहीं पढ़ती थी। मस्काओ चलो। अच्छा जी। शुक्ला हाउस कहाँ है? बाबा शुक्ला हाउस कहाँ है? शुक्ला हाउस? हाँ शुक्ला हाउस कहाँ है? अरे आप डॉक्टर शुक्ला के लिए गए नहीं? अरे वो तो कद के मर चुके, उनका सारा खानदान तबाह हो गया। देखिए ना उसकी जगह ये नई बिल्डिंग बन चुकी है। हेलो हेलो, राम कुमार जी हैं?
राम कुमार जी हैं? जी हाँ। नमस्ते, आइए बैठिए। तशरीफ रखिए। आपने मुझे पहचाना नहीं? वाकई नहीं पहचान सका। मैं राधा हूं। राधा? विष्णु कुमार की बेटी। माफ कीजिएगा, वकालत के पेशे में रोजाना सैकड़ों आदमियों से मुलाकात होती रहती है। अगर ज्यादा मिलना झूला ना हुआ तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ और बताइए ना। मैं विष्णु कुमार शुक्ला की बेटी राधा हूँ, आपकी मंगेतर। ये कैसे हो सकता है? वो तो बंबई के धमाके में अपने पूरे खानदान के साथ मर चुकी है। आपने उनकी लाश देखी? हाँ। आपने उन्हें पहचान लिया? मेरे पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं उनसे एक ही बार मिला था, मंगनी से पहले। तो आप भी यकीन के साथ नहीं कह सकते? लेकिन आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कोई मुझे पहचान ले कि मैं राधा हूँ, और आपसे उम्मीद थी कि आप। लेकिन ये तो जानने वाले ही पहचान सकते हैं। ठीक कहते हैं आप, दिन रात हजारों चेहरे देखने वाले से एक बार की देखी हुई सूरत कैसे पहचानी जा सकती है? अगर पहचान भी लिया जाए तो हो क्या सकता है? पापा, पापा चलो, आपको मम्मी बुलाती है। कौन बुलाते बेटे? मम्मी। मम्मी बुलाती है? अच्छा, मम्मी को बोलो हम अभी आते हैं। नहीं नहीं, चलो पापा। अच्छा अच्छा बेटे, मम्मी को बोलो पापा से मिलने के लिए कोई आया हुआ है, हम अभी आते हैं। हाँ, जाओ। राम कुमार जी, बचपन में मैं अपनी परछाई देखती हुई झलक करती थी और उसमें अपनी झलक पाकर खुश हो जाया करती थी। क्या पता था कि एक दिन मेरा सारा वजूद सिर्फ परछाई बनकर रह जाएगा और मैं अपनी असली सूरत देखने को तरस जाऊंगी। मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने साये ही को अपनी सूरत समझ लीजिए। और एक स्वांग जिंदगी की रात काट दूं? स्वांग रात दो रात का हो सकता है, 16 साल का नहीं। आप अपनी आत्मा को परेशान न करें। शुक्रिया।
क्या हो रहा है? दार्जिलिंग जाने की तैयारी। खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। मगर तुम तो बंबई में रहने आई थी। रहने नहीं, अपनी खोई हुई जिंदगी तलाश करने आई थी। मिल गई? पूछ कर क्या कीजिएगा। तुम तो एक पहेली बनती जा रही हो नंदा। ऐसी पहेली जिसका जवाब आप जानते हैं। हम कितनी जल्दी यहां से चल सकते हैं? जब जहाज मिल जाए। गई आज वापस भी आ गई। इतनी जल्दी क्यों लौट आई आप? जिसके लिए गई थी वो नहीं हो सका। क्या मतलब? बीते दिनों की छांव तक ना मिल सकी। तो आपकी पहचान का वहां कोई नहीं मिल सका? मिला, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। क्यों क्यों नहीं पहचाना? क्या बताऊं। चलिए आइए अंदर बैठते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, कहीं बाहर चलिए। अच्छा चलिए बाहर चलो। मेरे ख्याल में आपको वहां कुछ दिन रहकर लोगों से मिलना मिलाना चाहिए था। किससे मिलती मिलाती? वहां मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया डॉक्टर साहब, सिर्फ चलती फिरती दीवारें नजर आईं। वो शहर पत्थर का हो गया है जिसमें कोई दिल नहीं धड़कता। आप अपने मंगेतर से तो मिली होगी? मिली। उन्होंने पहचाना आपको? पहचाना भी और नहीं भी पहचाना। उनसे मिलके ही तो पता चला कि जमाने का दरिया किस तरह चीजों को इधर से उधर कर देता है, यहां तक कि दिलों को भी। क्या कोई ऐसी बात हुई? बात क्या होती डॉक्टर साहब, मैंने देखा जहां मेरा घरौंदा बनने वाला था वहां एक हंसता खेलता महल बन गया है जिसमें भूल के मोटे मोटे पर्दे पड़े हुए हैं। ना उधर से इधर की चीज साफ नजर आती है, ना इधर से उधर की। तो मैंने खुद ही उनका स्वर्ग बर्बाद करना नहीं चाहा और चली आई। और क्या करती, तकिए में मुंह छिपा के रोना है तो यहाँ क्या बुरा है? मगर यूं रोने की क्या जरूरत है? फिर वो छाती कहाँ से लाऊं जिस पे दिल की भड़ास निकल सके? कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं।
का रिश्ता बहुत नाजुक होता है राधा, इसलिए दिल टूट जाता है। नहीं ये बात नहीं, डॉक्टर का मरीज में ज्यादा दिलचस्पी लेना दुनिया वालों को अच्छा नहीं लगता और डॉक्टर बदनाम हो जाता है। मैं आपकी बदनामी नहीं बनना चाहती। मैं बदनामी से नहीं डरता राधा, डर सिर्फ इस बात का है तुम्हारे मामले में मेरा ज्यादा बोलना कहीं मेरा स्वार्थ न समझ लिया जाए। क्या आपकी जिंदगी में मेरे लिए इतनी जगह निकल सकेगी? डॉक्टर का दिल मरीजों के दर्द के लिए होता है। लेकिन मैं तो आपके लिए मरीज नहीं। मरीज होना हो दर्द जरूर है। मैं भरोसा करूं? राधा राधा ऐसी बातें कही नहीं जाती। जाओ हिम्मत ना हारो, जाओ राधा। कहां थी अब तक? मैं पूछता हूं तू अब तक कहां थी? जिस बात से आपको सरोकार नहीं उसे आप पूछते ही क्यों हैं? मुझे सरोकार नहीं तो फिर किसे? मैं तुम्हारा शौहर हूं नंदा। होंगे आप नंदा के शौहर, मेरे नहीं। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या चाहती हो तुम? वही चाहती हूं जो मेरा दिल चाहता है। और तुम्हारा दिल चाहता है कि मेरी इज्जत के साथ खेलो। आप भी तो मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ताकि तुम उस डॉक्टर के साथ घुस रहे हो। अपनी जबान को लगाम दीजिए। जबान को नहीं तुमको लगाम देने की जरूरत है। बीमारी की आड़ में काफी बदनाम किया तुमने मुझे, अब तुमको इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मुझे भी देखना है आप क्या कर सकते हैं। साहब खाना लग गया।
हेलो, यस, डॉक्टर राजेश हैं? मैं सबोध बोल रहा हूं। देखो मेरी मिसेज यहां से गई हैं, वहां तो नहीं पहुंची? जी वो यहां नहीं आई। नहीं? हेलो डॉक्टर राजेश, मिस्टर सुबोध का फोन आया हुआ था, उनकी वाइफ भाग गई हुई है, आप आ रहे हैं? ओके। क्या हुआ? मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? मुझे मार डालेंगे। उसकी सूरत तो मैंने नहीं देखी, दो हाथ थे जो मेरा गला दबा रहे थे और मैं जान बचाकर भागी। जीजा जी ने मुझे बहुत रोका, लेकिन डरो नहीं राधा, यहाँ कोई तेरा गला नहीं दबाएगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। चलो चलो तुम आराम करो। हाँ मैं नहीं जाऊंगा। हेलो डॉक्टर घोष, मैं राजेश बोल रहा हूँ जी। हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बात यह है मैंने आपसे मिसेज रॉय के बारे में बात की थी ना। जी हाँ, सबोध की वाइफ, वो बहुत घबराई हुई अभी हॉस्पिटल पहुंची हैं, कह रही हैं कोई दो हाथ उसका गला दबाकर मार डालना चाहते थे। डॉक्टर साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस वक्त। जी आप आ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। हाँ मिस्टर रॉय, मैंने उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया है। हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया? जी हाँ। मुझसे पूछे बगैर? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं नहीं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इस वक्त सो रही हैं मिस्टर रॉय, अगर आप कल सुबह मिल लें तो मेरे ख्याल से अच्छा है।
मेरे पिताजी का नाम विष्णु कुमार शुक्ला है, मैं उनकी छोटी बेटी राधा हूँ। आपकी और कोई छोटी बहन नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, हम दो ही बहनें हैं और मैं उनमें छोटी हूँ। फिर आपकी शादी मिस्टर सुबोध राय से कैसे हुई? मेरी शादी उनसे नहीं हुई, मेरी शादी किसी और से होने वाली। तो फिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? यही तो समझ में नहीं आता। शादी की तैयारियां हो गई थी, मुझे दुल्हन बनाया जा रहा था, शहनाइयां बज रही थी कि अचानक एक और 16 साल बीत गए। हाँ, सब यही कहते हैं, लेकिन कौन था यहाँ? कोई नहीं था डॉक्टर, मैं ही थी। क्या बात? डॉक्टर साहब, ऐसे लगा जैसे कोई आदमी हमारी बातें सुन रहा था। मेरे ख्याल में टेप रिकॉर्डर बंद करके रख देना चाहिए। यस यस। तो पेशेंट का बयान है कि एक धमाका हुआ था। जी हाँ। जिस जमाने की ये बात कर रही हैं, उस वक्त बॉम्बे डॉक यार्ड में बम जरूर फटा था और बहुत सी इमारतें भी गिरी थी। उसके बाद ये भूलती हैं कि ये राधा हैं या नंदा है। जी नहीं, ये कहती हैं ये नंदा नहीं है। मेरा ख्याल है इनकी याददाश्त वापस आ रही है। इस प्रॉब्लम का उस वक्त हल हो सकता है जब इनका पहले का जाने वाला मिल जाए। क्या आप बता सकती हैं बंबई में कोई ऐसा आदमी है जो आपको शादी से पहले जानता हो? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी तो नहीं पहचाना। कोई नौकर चाकर? हाँ, एक औरत है, बंबई बायकला पर रहती है, जो बचपन से हमारे कपड़े सिया करती थी, ग्लोरी डिसिल्वा। क्या क्या नाम बताया उसका? ग्लोरी डिसिल्वा, वो बचपन से हमारे कपड़े सीती थी। राजेश, अगर तुम उसे किसी तरह बुला दो तो मुझे यकीन है वो मुझे जरूर पहचान लेगी, जरूर पहचान लेगी। उसे बुला दो। क्या हो रहा है? ग्लोरी डिसिल्वा यहाँ रहती है ना? हाँ, क्या? उनसे कहो कि डॉक्टर मिलने आए हैं। मम्मी, डॉक्टर साहब आए हैं, तुमको मिलने को मांगता। अरे डॉक्टर, हमको काहे को मिलेगा? वो साथ वाला फ्लैट में हार्ट ट्रबल का बीमार है ना, उधर भेजो। अपना घर में कोई बीमार नहीं है मैन। देखिए, मैं किसी मरीज को देखने नहीं आया, मैं दार्जिलिंग से आ रहा हूँ, आपसे बहुत जरूरी काम है। दार्जिलिंग से? जी हाँ। ओ
ओके ओके कम कम बोलो क्या बात है काहे को आया आप सेठ विष्णु कुमार शुक्ला को जानती हैं मझगांव में रहते थे वो लोग मझगांव हाँ हम जानता शुक्ला का सब फैमिली को जानता वो लोग बहुत साल हुआ मर गया नहीं उनमें से एक लड़की जिंदा है ओह माय गॉड हम बोलते हैं ना उनका अक्खा फैमिली फिनिश देखिए मैडम ग्लोरी उनमें से एक लड़की जिंदा है आप इतना कीजिए चलकर पहचान कर बता दीजिए वो नंदा है या राधा ओके हम उधर नहीं जाएगा तुम चौकरी को उधर लेके आओ उसके लिए तो आपको दार्जिलिंग जाना पड़ेगा दार्जिलिंग ओह माय गॉड अपना इतना खर्चा मुर्गी बोता घर का बच्चा लोग हस्बैंड का खाना बनाना देखिए आपका सारा नुकसान मैं भरूंगा आने जाने का किराया मैं दूंगा बस ओके अभी तुम बोलता है तो हमको किराया भी नहीं मांगता ठीक है कितने दिन में जाने को मांगता है अभी चलना पड़ेगा अभी ओ नो नो मैन हमको चार घंटा दो हम मेकअप वगैरह करके ड्रेसअप होके बैठता हाँ ठीक है तुम तैयार रहना मैं आता हूँ ओ यस बेबी हमारा रेनकोट लाओ ओ नो नो अपना मेकअप बॉक्स लाओ अभी हम दार्जिलिंग को जाएंगे May I come in, sir? Yes, please. I'm Dr. Rajesh from Darjeeling. Hello, doctor. How do you do? Fine, thank you. Shirakhi. Thank you very much. कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत जरूरी काम से आपके पास आया हूँ. आपको याद होगा लड़ाई के दिनों में बॉम्बे डॉकयार्ड में बहुत बड़ा धमाका हुआ था. उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से जख्मी हुए थे. मझगांव के कुछ जख्मी आप ही के हॉस्पिटल में लाए गए थे. उनमें से एक फैमिली थी विष्णु कुमार शुक्ला की. मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें से कुछ जिंदा भी है या नहीं. डॉक्टर ये तो बहुत पुरानी बात है. इतना पुराना रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ होगा. आई एम सॉरी डॉक्टर, वी कैन नॉट हेल्प यू इन दिस. देखिए डॉक्टर साहब, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है. इस मामले में मेरी मदद कर दीजिए. मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. प्लीज डॉक्टर साहब. ठीक है डॉक्टर, मगर नामुमकिन को हम मुमकिन कैसे कर सकते हैं. देखिए आप कोशिश तो कीजिए. अच्छी बात है. देखिए तुम आएंगे ना जल्दी डार्लिंग, तुमको हमारा मुंह बताएं. ओ है डार्लिंग, तुम बोला है तुम काहे को नहीं समझता है. वो आदमी कहा की करा पाए तुम्हारा फायदा करा था खाली मेरी बोल. डार्लिंग डार्लिंग, तुम बहुत बोला है हमारा बात सुनो. ए साहब देखो, हम इसका फोर्थ हस्बैंड है, प्लीज ख्याल रखो. डार्लिंग तुम जल्दी आओ. हां जल्दी आएगा पुलिस. पुलिस पुलिस हवलदार हवलदार, देखो वो जो है ना वो हमारा वाइफ है. वो आदमी उसको लेके जाता है, उसको बुलाना मांगता है. हवलदार तुम देखो, अभी हम उसको बोलेंगे देखो हमारा वाइफ. टाटा डार्लिंग टाटा. वो देखो हाथी लाया, वो देखो हाथी लाया. ओह माय गॉड, चल के जल्दी जल्दी सर्दी बहुत है इधर. पता है तुम घबराओ मत, मैं ना उसको देख के पहचान लेगा. उसका होल फैमिली का कपड़ा हम ही सिया, छोटे से बड़ा हमारे सामने हुआ. पर वो है किधर है, बोलो ना किधर है. ओ मिल गया बेबी, यही चेयर, यही चेयर. ओ माय गॉड बेबी, यही चेयर. माय गॉड यही हम अच्छी तरह पहचानता है. देखा देखा राजेश, ग्लोरी ने मुझे पहचान लिया. बेबी तुमको जिंदा देखकर हमारा दिल बहुत खुश हो गया. पर ये तो बताओ ये है कौन. तू भी कैसा बात करता है मैन, अगर हम इसको पहचानता नहीं हमारा भेजा खराब हो गया. हम इसके गले लगता, तुम्हारे गले लगा खाली पीली. वो अपना मझगांव वाला मिस्टर शुक्ला है ना, उसका बेबी है. मैडम तुम ये बताओ ये छोटी है या बड़ी. ओ माय गॉड डॉक्टर, तुम काय को हमारा टेस्ट लेता. हम थाउजेंड टाइम बोला है, तू बचपन से जानता है. ए बेबी, वो अपना बेबी था ना छोटा वाला, वो अभी कितना बड़ा हुआ. ग्लोरी नंदा, तू पहले का मैं छोटा हो रही है. तुम झूठ बोल रही हो राजेश, ये मुझे अच्छी तरह पहचानती है. ये झूठ बोल रही है. मैं नंदा नहीं हूँ, मैं राधा हूँ. मैं राधा हूँ, मैं राधा हूँ राजेश. तुम कैसा बात करता है नंदा है. हम झूठ काय को बोलेंगे. डॉक्टर हमको कोई पैसा नहीं दे देगा और कोई तुम हमको पैसा नहीं दे देगा. हम बोलते हैं राधा मर गया, तुम जिंदा है, तुम नंदा है अपना. तुम फिर झूठ बोल रही हो ग्लोरी. मैं नंदा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं. तुम्हारी नहीं, तुम्हें नहीं बन सकती. क्यों डॉक्टर साहब, तसल्ली हो गई आपको. मेरे ख्याल में अब आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए मेरी बीवी को मेरे हवाले करते हुए. नहीं मिस्टर राय, अभी तो मैंने इनका इलाज शुरू किया. बस डॉक्टर साहब, इलाज बहुत हो गया. अगर अब भी आप इन मेरी मर्जी के खिलाफ यहां रखना चाहते हैं तो मजबूरन मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी.
राजेश, इन्हें जाने दो, हम इन्हें नहीं रोक सकते। आओ रानी, घर चलो। मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो मेरा घर नहीं है। मुझे मुझे उस घर से डर लगता है। अपनी बदनामी का तो ख्याल रखो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हर जगह तुम्हारी हंसी उड़ रही है। मिसेज रॉय, आपको घर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं वहां जाऊंगी तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। आपको खतरे से बचाने की जिम्मेदारी मिस्टर सुबोध पर है। और रानी, तुम्हें अपने घर में कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तुम घर की रानी हो। आओ, आओ। डॉक्टर साहब, आपने राधा को भेजकर अच्छा नहीं किया। राजेश, तुम नहीं समझते। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मुझे तो राधा की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। सबोध ने मुझे पुलिस की धमकी दी है, मगर मैं इस राज को फाश करके रहूंगा। कुमार, डॉक्टर राजेश, आप खैरियत तो है? मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। तशरीफ रखिए। आप सबोध राय को तो जानते होंगे। हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है इंस्पेक्टर। क्या फरमा रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, जिसे वो अपनी बीवी नंदा बताता है वो नंदा नहीं, नंदा की छोटी बहन राधा है। ये हो नहीं सकता, मैं उन्हें काफी अरसे से जानता हूँ। सारा दार्जिलिंग जानता है कि मिसेज सुबोध राय का नाम नंदा है। ये गलत है इंस्पेक्टर। मैंने और डॉक्टर घोष ने मिलकर राधा का बयान रिकॉर्ड किया है, आप सुन लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा। इंस्पेक्टर, राधा की जिंदगी खतरे में है। अगर आपने सबोध राय को गिरफ्तार नहीं किया, राधा जिंदा नहीं बचेगी। मगर आपके कहने से हम किसी शरीफ आदमी पर हाथ नहीं डाल सकते। डॉक्टर साहब, हमें सबूत चाहिए। सबूत? सबूत, सबूत ये है। डॉक्टर साहब, आवाज कहां गई? शायद गलत लग गया है। सुना था दिमागी इलाज करने वाले डॉक्टर खुद ही आधे। ऐसी बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब देखिए ना, इसे भी किसी ने अरेस कर दिया। मैं बंबई से राधा की फैमिली टेलर ग्लोरी को इसलिए लाया था कि वो बता सके ये नंदा नहीं राधा है। कमबख्त उसने भी झूठ बोल दिया। अब आप सुबोध राय से ग्लोरी पे आ गए। डॉक्टर साहब, इन चक्करों को छोड़िए, आप काफी बदनाम हो चुके हैं। मुझे इन बातों की परवाह नहीं, मैं सिर्फ राधा की जिंदगी चाहता हूँ इंस्पेक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे होगा क्या? होगा कैसे नहीं इंस्पेक्टर, आप ग्लोरी को यहां बुलवाइए, उससे पूछिए, मुझे यकीन है वो आपके डर से सब कुछ बक देगी। कांस्टेबल, डॉक्टर साहब के साथ जाओ और ग्लोरी को फौरन पकड़ के लेकर आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। कहाँ चली गई?
हेलो परेरा, तुम्हें 50 दफा बोला यहाँ पे फूल मत किया करो, क्या हुआ? ग्लोरी का पैकअप कर दिया साहब। परेरा ये क्या था? कोई नहीं, मैं हूँ, क्या बात है? हेलो 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 साहब, ये तुम्हारे करने का काम नहीं है ठीक? मैं अच्छी तरह जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। क्या जानती हो तुम? सब कुछ। तुम कुछ नहीं जानती। चलो सामान बांधो, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। कहां? कहीं भी। आज तुम्हारी वजह से ये नौबत दिया है। मेरी वजह से? ग्लोरी की वजह से। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने तुम्हें उस हादसे से बचाया। 16 बरस तुम्हारी देखभाल की, दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दी, और आज बस जीजा जी, अब आपका ये खेल नहीं चल सकता। तमाम खुशियां लाकर मेरे कदमों में रख दी, मेरी खुशियां छीन ली, मेरी देखभाल की, राधा से नंदा बनाकर मेरी याददाश्त के चले जाने का आपने काफी नाजायज फायदा उठा लिया, मेरी तमाम जायदाद पर कब्जा कर लिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तबाह नहीं की बल्कि बनाई। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, करता था और करता रहूंगा। चलो सामान बांधो, हमें शहर छोड़कर जाना है। मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाऊंगी जब जिंदगी की 16 बरस मैंने तुम्हें दिए? नहीं जाऊंगी। आप सुनिए, आप सुनिए। आपका टेलीग्राम। एक्सप्लोजन में मरने वाली नंदा थी, राधा जख्मी होकर याददाश्त खो चुकी थी। मिस्टर सबोध उसे हॉस्पिटल से ले गए थे, सुपरिंटेंडेंट सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल बॉम्बे। हेलो इंस्पेक्टर कुमार। राजेश? यस डॉक्टर राजेश, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था ना, अभी अभी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से टेलीग्राम मिला है, नंदा मर चुकी है, जिंदा रहने वाली का नाम राधा है, और देखिए मैं आपको वार्न कर चुका हूं कि राधा की जिंदगी खतरे में है। इंस्पेक्टर अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। चलो मेरे साथ। ग्लोरी का मर्डर किसने किया? ग्लोरी का मर्डर किसने किया? मैंने किया। क्यों? मिस्टर सुबोध ने कहा था। क्यों कहा था? इसलिए कि वो जानती थी कि ये राधा है। नंदा कहाँ है? नंदा मर चुकी 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। नलिनी किसकी बेटी है? नंदा की बेटी। अच्छा ये तो बताओ, वो अलमारी की लाश कहाँ है? लाश नहीं थी, जिंदा औरत थी। मिस्टर सुबोध राधा को पागल साबित करना चाहते थे। कहाँ है मिस्टर सुबोध?
राधा कहाँ है? कौन राधा? वही जिसे तुम नंदा कहते हो। वो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी पड़ी है।
Thank you.